हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लखनवी श्वेता, इट्स मी श्वेता। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। गाइस, आप लोगों ने मेरा इस लुक का वीडियो तो देख ही लिया होगा जहां मैंने ये पूरा लुक क्रिएट किया है। नहीं किया है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आई बटन में दे दूंगी, इवन कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगी, तो जाकर ज़रूर चेक करना। ये लुक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, तो आई होप कि आप लोग को भी अच्छा लग रहा है, तो जाके ज़रूर देखना। स्पेशली मैंने नवरात्रि के लिए बनाया है। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये सारी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी मैंने जो परचेज़ की है। ये एक्चुअली ना मैंने मिंत्रा से परचेज की है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ मैं इसका रिव्यू भी शेयर कर दूँ साथ ही साथ। सो इसमें से पूरी ज्वेलरीज तो मैंने मिंत्रा से नहीं मंगाई है। I mean, सिर्फ एक ज्वेलरी ऐसी है जो मेरी खुद की मैंने नॉर्मल शॉप से परचेज़ की थी। बाकी की जितनी भी ज्वेलरीज हैं वो मैंने मिंत्रा से मंगवाई है। तो मैं आपको ना पहना हुआ है मैंने इन सारी ज्वेलरीज को, तो मैं आपको ऐसे ही दिखा दूंगी। बहुत ज़्यादा कलेक्शन है, बहुत ही लिमिटेड है, बट स्टिल मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, शायद आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल होगा। एंड ये जितने भी ज्वेलरीज है ना, इन सब का प्राइस एंड साथ ही साथ इसका जो ब्रांड नेम है वो मैं आप लोगों को यहाँ स्क्रीन पे मेंशन करती जाऊंगी, सो दैट आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। इनके जो लिंक्स होंगे वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप लोग वहाँ भी चेक कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉप मोस्ट ज्वेलरी, I mean, जो सबसे ऊपर है टॉप में। क्या जोक मारा मैंने। इस ज्वेलरी से हम स्टार्ट करते हैं। सो ये मांगटीका है एंड इट्स लुकिंग सो 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 प्रिटी एज यू कैन सी। बहुत ही खूबसूरत पीस है। एक्चुअली ना ये सारे के सारे पीसेस डिस्काउंट पे रहते हैं, आपको पता ही है, तो ये एग्जैक्ट MRP रुपीज़ पे नहीं मिलते हैं। तो ये ऑलमोस्ट मुझे 700 की ये मांगटी का मिला है। अकॉर्डिंग टू प्राइस मुझे ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है, क्योंकि जब मुझे रिसीव हुआ तो इसकी कुछ एक आध घुंघरू ना, जैसे आप देख सकते हैं ये फ्रंट पीस पे घुंघरू भी है, तो ये थोड़े से निकले हुए थे। तो पहले तो मुझे लगा कि शायद इन लोगों ने 2-4 घुंघरू ऐसे ही दिए होंगे एक्स्ट्रा पीसेस। देन मैंने सोचा 2-4 घुंघरू कौन एक्स्ट्रा देता है। देन आई गॉट टू नो कि ये निकले हुए हैं, ठीक है। तो ये थोड़े तो पीसेस डेलिकेट होते ही हैं, दो इन लोगों ने पैकेजिंग बहुत अच्छी दी हुई है नो डाउट, बट स्टिल थोड़े सेंसिटिव पीस है। इस मांगटीका के साथ एक ड्रॉबैक ये है कि ये मैंने जो पहना है ना, ये थोड़ा सा अजीब सा है। इस पोर्शन से ये थोड़ा अजीब सा है, वियर्ड है, एग्जैक्ट स्ट्रेट नहीं जाता है। ये देख रहे हो आप, अजीब सा ही है, थोड़ा सा वियर्ड है इसका। बट जब आप इसे वियर करेंगे तो इसका लुक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आता है, जैसा आप लोग देख रहे हैं। मैंने टेप नहीं लगाया है यहाँ पे, आप चाहो तो पिन कर सकते हो, डबल साइडेड टेप भी लगा सकते हैं। अदरवाइज द होल लुक इज़ सो ब्यूटीफुल एंड प्रिटी। लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड प्रोडक्ट विच इज़ दिस लॉन्ग ब्यूटीफुल नेकलेस। ये बहुत ही खूबसूरत सा लॉन्ग नेकलेस है, बहुत ही प्रिटी है। आप लोगों को क्लोजअप तो मैं सारी ज्वेलरीज का दिखा दूंगी। इसमें भी डबल लेयर है लाइक दिस एंड दोनों में काफ़ी अच्छा घुंघरू है। देन ये लॉन्ग चेन है यहाँ पर एंड इसके साथ ही ये इयररिंग्स है। तो सबसे पहले मैं अगर इयररिंग का बताऊँ तो इयररिंग्स बहुत ही ज़्यादा प्रिटी हैं, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की भी हैं। और इस नेकलेस के साथ प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ पर आप लोग जब क्लोजली देखोगे तो ये ना इसको जॉइन किया हुआ है, यहाँ पे इनके जॉइंट्स हैं। सो प्रॉब्लम ये है कि जो जॉइंट्स है ना वो कुछ रिंग टाइप के साथ है, मतलब कुछ गोल गोल सा है जिससे वो जॉइन किया हुआ है। एंड प्रॉब्लम ये है कि जब मैंने इसको पैकेट से निकाला था तो 4-5 पीसेस निकल के गिरे हुए थे। इट मीन्स कि ये कभी भी टूट सकता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वालिटी नहीं है इसका। इसके साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि जो इसका प्राइस है ना, जितना आपने पे किया है आपको स्क्रीन पे दिखी जाएगा। और जो मुझे याद है, मेरे ख्याल से मैंने इसको 1000 रुपीज़ में लिया है, तो 1000 रुपीज़ इज़ नॉट वर्थ फॉर दिस प्रोडक्ट विच आई एक्चुअली फील। क्योंकि इसका इयररिंग तो नो डाउट बहुत ही प्यारा है, बट इसके लिए 1000 रुपीज़ आई डोंट फील कि ये वर्थ है। और इस पीस के साथ एक और प्रॉब्लम ये भी है ना कि ये इतना ज़्यादा डेलिकेट पीस है, इतना ज़्यादा डेलिकेट है कि सपोज़ आप सच में इसको पहन के अगर डांस करो, आपने ज़्यादा मूव किया ना, तो ये कब में कहाँ इसके टुकड़े मिलेंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके सच में टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि स्पेशली ये जॉइंट्स तो इतने ख़राब हैं इसके, इतना फिनिशिंग बिल्कुल भी अच्छी सी नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ से भी मुझे तो ऐसा लगता है यहाँ से भी ये डिटैच होकर कहीं भी निकल सकता है, तो इसलिए भी ये थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा। सो गाइज, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था, मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है, मैंने बहुत ही लिमिटेड चीज़ें मंगवाई हैं। तो अब मैं आपको बात करूँगी इन रिंग्स की, जिसको मैं बार बार फ्लॉन्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। सो ये ना सेट हैं, पूरे 15 रिंग्स के सेट हैं। वो बहुत ही प्रिटी लग रहे हैं यार, मुझे बहुत ज़्यादा हमेशा से ऐसे चाहिए थे। लेकिन आप लोग देखोगे ये क्या मैंने अजूबा बना रखा है, क्योंकि मेरे फिंगर्स थोड़े मोटे मोटे से है, मेरी हाइट के हिसाब से थोड़ी मेरे फिंगर्स भी है थोड़े मोटे मोटे से हैं, और ये मेरे फिंगर्स पे बिल्कुल भी सेट नहीं हो रहे। मतलब कुछ कुछ रिंग्स तो बहुत अच्छे से परफेक्टली फिट हो गए हैं, बट कुछ तो चलो ठीक है बनी ही है ना ऊपर ऊपर के लिए, बट मेरे इन दोनों फिंगर्स में तो कुछ भी नीचे नहीं जा रहा है, देख रहे हो। और यहाँ तो थंब में चला गया, इस थंब के लिए भी कुछ नहीं बचा। तो मैंने ऐसे से पहले, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एंड अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूँ ना, तो क्वालिटी सच में काफ़ी अच्छी है। ये इसका कॉस्ट था 200 to 300 के बीच में, 200 से 300 के बीच का इसका प्राइस है। और इस प्राइस के अकॉर्डिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। साइज़ ये वन साइज़ में ही होता है और बिल्कुल भी एडजस्टेबल नहीं है, इसके पीछे से कोई भी एडजस्टेबल के लिए नहीं है, तो सबसे ज़्यादा इसका ड्रॉबैक यही है। अदरवाइज़ इसकी क्वालिटी काफ़ी प्यारी है और जब आप ऐसा कुछ लुक क्रिएट करें उसके साथ इस टाइप की रिंग्स ना काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लगती है लुक। बट प्रॉब्लम ये है कि ये बिल्कुल भी मेरे हाथों में नहीं हो रहा है। सो या बट अगर आपकी जो फिंगर्स हैं थोड़ी पतली हैं, मतलब मेरे से थोड़ी पतली और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं, मतलब समझ रहे हो, तो बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू प्राइस आई थिंक इट्स वर्थ बाइंग। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट प्रोडक्ट। जैसा कि मैंने बताया बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है। तो ये लास्ट प्रोडक्ट भी एक रिंग है, मैंने सोचा था कि ये भी मैं कैरी करूँगी बट इतने रिंग्स के आगे इस रिंग का तो क्या ही है। सो ये रिंग भी बहुत प्यारी है और ये है कुछ वोला काइंड ऑफ ब्रांड है इसका। उनकी जो रिंग्स होती है ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं क्योंकि वो सिर्फ ऑक्सीडाइज नहीं होती, इसमें ये लोग कलर भी देते हैं। सो इसमें ना ऑरेंज और येलो का भी कलर है। इनकी जो डिज़ाइंस होती हैं रिंग्स की या फिर इयररिंग्स की भी, वो भी काफ़ी यूनिक होती हैं, तो इसलिए भी बहुत प्रिटी है। और ये देखो ना, इट्स लुकिंग सो 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 प्रिटी। एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि ये एडजस्टेबल है, तो आपके जो रिंग्स मतलब फिंगर्स हैं वो पतले हैं या मोटी हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आराम से एडजस्ट हो जाएगा। और ये इतने बड़े होते ना कि आप एक रिंग पहनोगे और यू आर इनफ टू गो विथ। सो येस गाइज, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरे जो कलेक्शंस हैं वो अच्छे लगे होंगे। अगर हाँ तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। इन सारे ज्वेलरीज की जो लिंक होगी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो चेक करना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर एंड लव यू ऑल।